नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वर्ष 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद की अदालत ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। 7 मार्च 2006 की घटना है, जब लंका थाना क्षेत्र में संकट मोचन मंदिर में पहला विस्फोट हुआ था और उसके बाद कैंट थाने में विस्फोट हुआ था और एक जगह विस्फोट होने से बचा लिया गया था। इन सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 18 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। इसके बाद जब अदालत में मुकदमा चलने लगा तो बनारस के वकीलों ने वलीउल्लाह समेत तमाम आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि इस मामले सुनवाई गाजियाबाद में हो और गाजियाबाद में 70 न्यायाधीश के यहाँ इसकी सुनवाई हुई और अब खबर आ रही है कि वलीउल्लाह को फांसी की सजा दी गई है। इसके पहले दोनों पक्षों ने बहस की कि कितनी सजा दी जानी चाहिए। जहां बचाव पक्ष ने कम सजा देने की गुहार लगाई, वहीं जो सरकारी पक्ष है उसने कहा कि आरोपी ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए और अब खबर आ रही है कि अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि वो जो आरोपी है अब तो दोष सिद्ध हो गया है, उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है कि अब बचाव पक्ष जो है वो जाएगा हाई कोर्ट। एक बात बता दें कि फांसी की सज़ा के मामले में जब भी निचली अदालत ये सज़ा सुनाती है उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट को करना होता है, ये अदालती प्रक्रिया है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन। थैंक यू।